हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं जा रहा हूँ तैयार। अभी हो रहा हूँ, देख सकते हो बाल भी निकला हुआ है और अभी तैयार हो चुका हूँ। तैयारी इसकी बची हुई है, इस लड़की की जो वहाँ टाइम लगाती है, पूरा मेकअप का ध्यान लगा के रखी हुई है। देख सकते हो ऐसा सड़े समय मुँह बनाती है, बहुत सारा सड़ा मुँह बनाती है। तो अभी चलते हैं जुबली पार्क। पता नहीं कितने घंटे लगे, कितने घंटे लगेंगे रे? 4 घंटे लगेंगे जुबली पार्क टाटा का। और देखते हैं, वाकई में बहुत टाइम लगा रही है लड़की। कितना टाइम लगाएगी रे तैयार होने में? देख सकते हो कितना लिपस्टिक। ये देख सकते हो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जुबली पार्क। अभी बाहर एंट्री किए हुए हैं, अभी अंदर घुसे नहीं हुए हैं, तो बाहर का मैं एरिया दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो बहुत ही गजब का ये खंभे टाइप का कुछ बना हुआ है, जो मुझे ऑलरेडी मैं समझ नहीं पाया कि क्या है वो, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से दिखता है, देख सकते हो आप, बहुत ही औसम है। और ये सड़क जो आप देख दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहीं से हम लोग एंट्री किए हैं और पैदल पैदल थोड़ा सा चल के आए हैं। और इस प्रकार से नज़ारा दिखता है, जैसे कि मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। और ये है एंट्री गेट जुबली पार्क का, तो सीधे अंदर चलते हैं। और ये बहुत लंबी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत बड़ा एरिया में है जुगली पार्क, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और हरियाली बहुत अच्छा है यहाँ का। और वेदर भी बहुत खूबसूरत था, हम लोग गर्मी के दिनों पे गए हुए थे। और ये लंबी सड़कें ऐसी इस टाइप की सड़कें बनी हुई है। और सामने आप देख सकते हो साइकिलिंग, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप साइकिलिंग का भी मज़ा ले सकते हो, और अगर आप पैदल नहीं घूमना चाहते तो साइकिल यूज कर सकते हो। और इसका प्रोसेस क्या होता है वहाँ मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ कोई नहीं था। और ये है टाटा स्टील, देख सकते हो लिखा भी हुआ है और इस प्रकार से कुछ बना हुआ है, जैसे कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। जुबली पार्क मेन, लेकिन हम लोग शाम हो जाने की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पाए, तो मैं बाहर का एरिया ही आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5:30 से एंट्री बंद हो जाती है, तो सब बाहर निकल रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे एक लेक बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और आप देख सकते हो खुद। इस प्रकार से हरियाली है यहाँ पे, और आगे वाली रोड पर अपन चलेंगे। और हम लोग का फैसला ये किया है कि म्यूजिकल फाउंडेशन देखेंगे अपन, ताकि शाम का समय हो भी चुका था और हम लोग अच्छे से नहीं घूम पाए थे, तो जितना भी मैं कवर किया देता हूँ। निकल रहे हैं, हम लोग को एंट्री नहीं मिली क्योंकि टाइम हो जाने की वजह से। और यहाँ पे हेलमेट वेलमेट अगर आप साइकिल में घूमते हो तो सब अनिवार्य है। बहुत खूबसूरत है दोस्तों यहाँ, आप अगर आते हो जमशेदपुर तो बिल्कुल यहाँ पे आइए और घूमिए जुबली पार्क। और ये सब मेंशन किया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो अपन को लेज़र शो की ओर चढ़ना है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे वाटरफॉल चल रहा है, और हम कुछ मस्तियाँ भी किए हुए हैं। मस्ती के मूड में थे तो इस प्रकार से सब मस्तियाँ कर रहे थे सब। यहाँ पे ही होता है म्यूजिकल फाउंटेंसन, जहाँ पे आप ले सकते हो आनंद। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो अपन लेते हैं टिकट। तो भाई लोग ले रहे थे टिकट, मैं टिकट प्राइस आपको दिखा देता हूँ कि कितना है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ 50 रुपीज़ है पर व्यक्ति का। तो यहाँ पर टिकट लीजिए और अंदर चलेंगे थोड़े देर के बाद।
तो चलिए अब टिकट दिखाते हैं और चलते हैं अंदर और उल्लू उठाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से नज़ारा है अंदर का। तो यहाँ पे देख सकते हो लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे पेड़ पौधे में अच्छी खासी लाइटिंग की गई है और बहुत देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह का मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो यही बोलूँगा एक बार जरूर विजिट करना जुगली पार्क अगर जमशेदपुर टाटा आते हो तो। और यहाँ की रौनकें जो हैं बहुत ज़्यादा आपको आकर्षित करेगी। और यहाँ पे दीवारों पे भी कुछ कुछ टाटा के बारे में मेंशन किया गया है, कुछ कुछ चित्रकारी की गई है। तो अंदर चलते हैं, तो अंदर अपन पहुँच चुके हैं और देखते हैं अपन कहाँ पे बैठ के आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक बार कैमरा घुमा देता हूँ ताकि आपको दिख पाए कि किस तरह से दिखता है, और जो शो होने वाला है वो सामने ही होने वाला है। तो मैं आपको शो पूरा दिखाता हूँ। Thank you.